मैं अहमदाबाद पुलिस और गुजरात सरकार को चुनौती दे रहा हूं, अगर वो प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं, हम सारे सबूत रखेंगे। जो पुलिस वाले वहां पे पहुंचे थे उनके नाम हमें मालूम है, हमारे कुछ लोग उनको पहचानते हैं, हमारे लोग उस पुलिस अफसर को पहले से जानते हैं कि ये आदमी इस थाने में है और इसका ये नाम है। उन पुलिस वालों के पास मोबाइल थे, उनकी मोबाइल की लोकेशन उस समय हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस की आएगी। और भी बहुत सारे सबूत हैं, आप झूठ को सच और सच को झूठ ऐसे नहीं बना सकते। गुजरात के मुख्यमंत्री ये वादा करें, हम सबूत रखेंगे, वो प्रेस वार्ता के अंदर उसका जवाब जरूर दे, भाग ना जाए, हम सबूत रखने के लिए तैयार हैं और हम ये चुनौती देते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर आरोप को बोलती है नहीं ये सच नहीं है। पूरे देश में विधायकों को खरीदा गया, विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव बना के उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, दर्जनों ऐसे उदाहरण है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनौती देते हैं। अगर मीडिया के हमारे साथी, मीडिया के हमारे बंधु इस चीज के लिए हमें एक छोटा सा वादा कर दें कि हम उस रेड की सारी डिटेल्स, उस रेड में शामिल अफसर और सबूत मीडिया के सामने रखेंगे, मीडिया के बंधुओं को सिर्फ एक हमको वादा करना है कि वो सीधा सवाल गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से उस रेड के बारे में पूछेंगे। हम सारे सबूत जो है मीडिया के सामने रखने के लिए तैयार हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनकी गुजरात में हो रही गुंडागर्दी को एक्सपोज करना चाहते हैं कि किस तरीके से बिना वारंट, बिना किसी कानून के कागज के ये कहीं पे भी घुस जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छापा मारते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई छापा नहीं मारा गया, क्योंकि उसके अंदर गुजरात सरकार की बहुत बेइज्जती होती है। जैसे सीबीआई की बेइज्जती हुई, ईडी की बेइज्जती हुई, इस तरीके से गुजरात सरकार की एक बड़ी बेइज्जती होती है कि इन्होंने छापा मारा, गैर कानूनी ढंग से मारा और उसमें भी इनको कुछ नहीं मिला।